नमस्कार। रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर उस समय जब आप अपने कामकाज में ऑफिस में व्यस्त थे, हमारे रिपोर्टर्स दिन भर घूमकर जिले से खबरें एकत्रित कर रहे थे। पूरी खबरों के लिए ये बुलेटिन आपके लिए है। आइए देखते हैं कि दिन भर शहर और जिले में क्या कुछ घटा। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस बाढ़ परिक्रमा की इस खास खबर पर। आज की खास खबर है कि रोजाना बाढ़ का एक परिक्रमा जिसमें बाढ़ प्रसाद का सर्वे रिकॉर्ड हमारे संवाददाताओं के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं बाढ़ नंबर 18 का कि आखिरकार क्या सर्वे रिकॉर्ड इनका बताता है। बाढ़ नंबर 18 जो कि अंबेडकर नगर है, यहाँ पर भाजपा के पार्षद चंद्र प्रकाश वर्मा जो कि यहाँ पर पार्षद हैं, इनके बारे में बाढ़ के लोगों ने क्या कुछ कहा। आइए नजर डाल लेते हैं इस खास खबर पर। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहाँ देखें आप वहाँ ये देख सकते हैं आप इस तरीके की गंदगी है। मोहल्ले भर का कचरा सब यहीं इकट्ठा होता है। साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक दो बार कंप्लेन भी किए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। सफाई कर्मी आते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं देते हैं, सफाई नहीं करते। हमारे यहाँ सर ये बगल में जो नाली बनी हुई है, तबड़ा फील्ड 50x50 के फील्ड पड़ा हुआ है, इसमें तमाम आए दिन गंदगी रहती है। और ये हालांकि इसकी जिम्मेदार हम लोग तो हैं, लेकिन हम साफ कर लेते हैं, अपने खुद ही साफ कर लेते हैं। कर्मचारी आते तो है जरूर हैं, साइकिल पर लेके और झाड़ू माड़ू बांध के और सीधी सी रास्ता ना पे सीधे बस निकल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की। साफ सफाई के लिए आप नगर पालिका में बोलते हैं? बोलते हैं। अभी तक आपने कितना काम किया बाढ़ में? कैसा अभी तक बाढ़ में रोड वोड वगैरह सब बन चुके हैं, है ना, नाली वगैरह ही बन चुकी है। इस बाढ़ परिक्रमा की खास खबर में आपको देखने के लिए हमारे संवाददाता के द्वारा मिला होगा कि किस तरह से सर्वे रिकॉर्ड तैयार किया गया। अब आपके द्वार किसी भी बाढ़ में जाकर के आपकी समस्या को पेप्टी टाइम के संवाददाता जाकर के पूरा सर्वे रिकॉर्ड तैयार करेंगे कि आखिरकार 4 साल के कार्यकाल में किस तरह का क्या काम इन पार्षदों ने किया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय यादव। परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा द्वारा नरसिंह मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में परशुराम सेना के कई कार्यकर्ता शामिल हुए जिन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी अपनी राय दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुल जाने से मरीजों को सुविधाएं हो जाएंगी। दूसरा, गौरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छतरपुर में गौशालाओं का निर्माण किया जाए, जिसमें आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में मर रही हमारी गौ माताएं की जान बच सकती है। वहीं NTPC चालू होने से छतरपुर के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। बैठक में परशुराम सेना के प्रमुख विनोद मिश्रा, आदित्य भार्गव, अजय दुबे, अभिजीत व्यास, भोजू तिवारी, अभिनव गंगिले, सतीश तिवारी, आयुष तिवारी, भूपेंद्र मिश्रा, पीयूष पाठक, अभिषेक अवस्थी, अतुल द्विवेदी, अजय मिश्रा एवं अज्जू संस्कार और अनेक कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। खबर दिन भर में एक बार फिर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। नौगांव में 8 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन ऐसा कि किसान तहसील को घेरेंगे और कलेक्टर को बुलाने की मांग करेंगे। जी हां, कांग्रेस ने इस बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस नेता दौलत तिवारी ने नौगांव में किसानों की समस्याओं को लेकर 8 फरवरी को एक विराट आंदोलन की बात कही है। उन्होंने नौगांव में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पूरी रणनीति बताई। 8 तारीख को एक विशाल आंदोलन जो हम घेराव और धरना प्रदर्शन के माध्यम से करने जा रहे हैं और इस सरकार को घेरने जा रहे हैं, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त। अभी हमने किसानों के संघर्ष के लिए जो पदयात्रा करी थी 125 किलोमीटर,
उसमें जो दुख तकलीफें देखी, लोग रो रहे, किस तरीके से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, किस तरीके से पानी के कारण लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर जाके दूर से पानी लाना पड़ रहा है, और ये कमी सरकार इसको कोई लेना देना नहीं। आज जानवर मर रहे हैं, जो हमारे पशु हैं, आवारा पशुओं की कोई व्यवस्था नहीं है, आदमियों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं। मतलब हरपालपुर जैसी बड़ी बड़ी नगर पंचायतों में पानी लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है, ट्यूबवेल गाँव के खराब पड़े, आवास योजना में भ्रष्टाचार। तो उस समय हम लोगों को लग रहा था, जब हम लोगों ने पदयात्रा निकाली और हजारों लोगों का जो जिस तरीके से समर्थन मिला, उस समर्थन में मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ निकल के आई, तो सोच रहे थे कि इसको देखते हुए भी शायद इनका दिल पसीजेगा और ये लोगों को राहत देने का सरकार काम करेगी। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा हो गई, 6 दिन की, लोग हजारों लोग पैदल पदयात्रा के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करते रहे, इनके जूं तक नहीं रही। नमस्कार, 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 1 बजे में देखते हैं बिजावर की खबर। बिजावर क्षेत्र के गुलगंज में लड़कियों की टीमों के बीच एक शानदार क्रिकेट का मुकाबला देखने को मिला। यहां पर हरिओम अग्निहोत्री के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टूर्नामेंट में कानपुर और ग्वालियर की महिला क्रिकेट टीमें एक दूसरे के सामने आई। ये मुकाबला बेहद रोचक रहा और आखिर में कानपुर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। मैदान पर अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला मौजूद रहे। 5 बच्चों का डेब्यू मैच था, जो कि आज मतलब डेब्यू किया है उन्होंने। इतने सा मतलब 3 महीने हुए हैं बच्चों को खेलते खेलते, इसलिए उनका वार्म अप मैच था आज, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर जीतेंगे। टूर्नामेंट की मैच की प्रेरणा हमें जब हम टीवी में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय 2020 में कि हमारे भारत के महिला खिलाड़ी कितना अच्छा खेलते हैं, उसकी प्रेरणा लेकर के हमने भी गांव में सोचा है कि अगर हम संभाग स्तर की टीमें बुलाकर यहां खिलाएंगे तो निश्चित रूप से ही हमारे ग्राम की महिलाएं इस टूर्नामेंट खेलने के लिए आगे बढ़ेंगी। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में खेले गए पंडित बीपी दीक्षित अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन मंगलवार की देर रात तक चलता रहा। दरअसल इस टूर्नामेंट में 8 पुरुषों की टीमें और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा ले रही थी। देश भर से आई इन टीमों ने 3 दिनों तक शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए छतरपुर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में खेले गए इस टूर्नामेंट में पुरुषों की टीम का मुकाबला कुरुक्षेत्र हरियाणा की टीम ने जीता। समापन के मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक मैदान पर पहुंचे, जिनमें विधायक गुड्डन पाठक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह भी मैदान पर पहुंची और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि पंडित बीपी दीक्षित अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन वीरांगना अवंतीबाई ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें अशोक दीक्षित, विनोद दीक्षित और प्रमोद दीक्षित की भूमिका रहती है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से देश भर के खिलाड़ी छतरपुर खेलने के लिए पहुंचते हैं। तो लगातार जब से ये शुरू हुआ है, हर साल पहले दूसरे या तीसरे दिन शामिल होता ही हूँ, तो ना कमेटी का मेरे ऊपर एहसान है, ना मेरा कमेटी पे एहसान है, हम लोगों का परस्पर व्यवहार है। क्या कार्यक्रम निरंतर सम्मिलित होते रहते हैं, इसलिए कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, उनकी हमारे प्रति सद्भावना है, हमारी उनके प्रति सद्भावना है। तीन बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर की बात इस बुलेटिन में करेंगे। छतरपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर अब रिंग रोड और 4 लेन की बातें हो रही हैं। 1 साल पहले जब नितिन गडकरी नौगांव आए थे, तब इन दोनों योजनाओं की सौगात उन्होंने नौगांव में दी थी और जनता से तालियां भी बजवाई थी। लगभग 2500 करोड़ की लागत से झांसी से बमीठा तक का 4 लेन स्वीकृत हुआ था, इसका शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा छतरपुर में बड़े वाहनों को घुसने से रोकने के लिए जो चारों तरफ एक रिंग रोड बनाने की बात कही गई थी, उसका शिलान्यास भी हुआ था और इसे लगभग 125 करोड़ में बनाने की बात कही गई थी। पिछले दिनों राज्य मंत्री ललिता यादव ने भी नितिन गडकरी से मुलाकात की और बताया कि जल्द ही रिंग रोड का काम शुरू होगा, क्योंकि NHAI ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हम आपको बताते हैं कि इन दोनों योजनाओं में काम बेहद कछुआ गति से चल रहा है। 4 लेन के काम में अभी पूरा अधिग्रहण भी नहीं हुआ है और किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली है। वहीं रिंग रोड को लेकर छतरपुर के NHAI विभाग के पास
कागज का एक टुकड़ा भी नहीं पहुंचा है। उनके पास दस्तावेज के रूप में अभी रिंग रोड की कोई जानकारी नहीं है। जिस गति से काम हुआ है, यानी कि एक साल पहले इसकी घोषणा हुई और अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसी गति से अगर इन दोनों योजनाओं का काम आगे बढ़ता रहा तो लगभग 5 से 7 साल फोर लेन और रिंग रोड के इस काम में लग सकते हैं। लोगों ने इसके प्रति नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस काम को जल्दी ही पूरा कराना चाहिए। इन दिनों छतरपुर में चर्चाओं का विषय रिंग रोड बन गया है, जहां पर हमने अभी पड़ताल की है, इसकी पड़ताल की है, जहां से जानकारी लगी है कि जो NHAI विभाग है वहां से पूरी उन्होंने बात बताई है कि जो छतरपुर के लिए वह झांसी से लेकर बमीठा तक फोर लाइन रोड बना रहे हैं, उससे छतरपुर के लिए एक नौगांव के पहले से ही गठेौरा तक एक बाईपास आएगा और दूसरा जो सागर कबरई लाइन फोर लाइन चालू हो रही है उसमें भी एक और बाईपास जो छतरपुर टच होगा, तो जिसको लेकर फिर इसके बाद रिंग रोड की तैयारी की जाएगी। लेकिन पिछले 31 जनवरी 2017 को नितिन गडकरी ने नौगांव में एक कार्यक्रम के में घोषणा की थी कि छतरपुर के लिए फोर लाइन रोड बनाया जाएगा, लेकिन घोषणा होने के बाद 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो जमीनी स्तर की बात की जाए तो यहां पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि बाईपास के बिना रिंग रोड संभव नहीं है बनना। बाईपास का जो फाइल थी वो पिछले साल गडकरी जी ने पास करी थी, जिस पे अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया है, कोई भी जाकर के साइट पे देख सकता है। अब रही सवाल रिंग रोड की, तो जब इनिशियल प्रोजेक्ट नहीं पास हुआ है तो ये वाला प्रोजेक्ट पास होने की बात ही नहीं है। और आप कहीं भी जाके किसी भी उसमें देखेंगे कलेक्ट्रेट में या कहीं पे, तो फाइल ही मूव नहीं हुई है। जब फाइल ही सर्कुलेशन में नहीं है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, बन जाएगा? हमारा जो आकलन है, ये प्रोजेक्ट आने वाले जो 5 साल उसके बाद शायद ये स्टार्ट भी हो पाएगा। अभी तो आप भूल ही जाए, जनता तो भूल ही जाए, ये सब झूठी बातें करने में माहिर है बीजेपी। नमस्कार, 4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। छतरपुर में हजारों लोगों के संघर्ष के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से यहां 2 कमरों में एक यूनिवर्सिटी चल रही है, जो कि छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करा रही है। पिछले 4 सालों में विश्वविद्यालय यहां की बाउंड्री वॉल भी नहीं बनवा सका, ना ही निर्माण की दिशा में कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय में पिछली बार हुई भर्तियों का एक घोटाला सामने आ चुका है, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही परीक्षाएं भी अब सवालों के घेरे में है। छतरपुर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के नाम पर छात्रों से फीस की लूट की जा रही है। हम आपको 2 अलग-अलग पत्र दिखा रहे हैं। एक पत्र है विश्वविद्यालय भोपाल का, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल का, जिसमें परीक्षा का शुल्क लगभग 1200 रुपए आता है, जबकि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी प्रदेश की एक विख्यात यूनिवर्सिटी है, जहां तमाम सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं। अब दूसरा पत्र आपको दिखाते हैं, ये पत्र है छतरपुर यूनिवर्सिटी का, जिसमें परीक्षा का शुल्क 1175 रुपए और इसके अलावा लगभग 250 रुपए प्रायोगिक परीक्षाओं के नाम पर भी लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो परीक्षा शुल्क है वो भोपाल की यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा छतरपुर की यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जा रहा है और सुविधाओं के नाम पर कोई ऐसी सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल रही हैं जिससे इनका ये शुल्क जस्टिफाई हो सके। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ फीस का मतलब कम लग रही है छात्रों की, 1300 रुपये कुछ है और यहाँ 1700 ली जा रही है। छात्र जो है मतलब ऐसा नहीं है कि सब अच्छी मतलब फाइनेंशियल फिट है और इतनी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं इस कॉलेज में। आप देखें तो बहुत सारे मतलब कोर्सेज जो नए नए आ रहे हैं वो यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो विद्यार्थी परिषद इस बात को ज़रूर उठाएगा। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस 1700 है और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखी जाए तो वो अभी 1400 है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है जो सालों से चलती आ रही है। वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन जैसी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को हर साल मिलती हैं। कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और उनके थ्रू उन्हें अपने जीवन में आगे जाने का कहीं ना कहीं इस फील्ड में मौका मिलता है। छात्रों से परीक्षा फीस अधिक ली जा रही है, अगर कंपेरिजन अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ करें अपन तो यहाँ की परीक्षा फीस हो चाहे जब कॉलेजों का अपने आप में उनने दिया था
जब अटैच करवाने के लिए, तब भी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लिए थे। तो कहीं ना कहीं छात्रों से और प्रशासन से लूटने के लिए अभी ये यूनिवर्सिटी फेमस होती जा रही है। जब नियुक्तियाँ को लेकर गड़बड़ी हुई थी तो यूथ कांग्रेस ने आंदोलन किया था और उसका नतीजा ये निकला था कि उनको जो थर्ड क्लास की जॉब थी उन पर उन्हें पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार, खबर दिनभर में शाम 5 बजे की खबर के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में समाज द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया। ये तुगलकी फरमान सोनी समाज द्वारा जारी किया गया था। दरअसल नौगांव के एक परिवार द्वारा समाज के किसी आयोजन में चंदा न देने की वजह से उस परिवार का बहिष्कार किया गया और समाज के लोगों ने किसी भी शादी विवाह में शामिल न होने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। यही वजह है कि शादी समारोह में समाज के लोग नहीं पहुंचे और परिवार के लोग समाज की राह देखते रहे। दरअसल नौगांव निवासी ब्रजकिशोर सोनी के यहाँ उनके बेटे की शादी थी और इस शादी में समाज के लोगों के ना पहुंचने की वजह से वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। दरअसल पिछले किन्हीं दिनों में समाज के लोगों द्वारा किसी काम के लिए चंदा मांगा गया जिसको देने से उन्होंने मना कर दिया था और इसी बात को लेकर सोनी समाज के नौगांव नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी ने इस तरह का फरमान जारी किया। हालांकि इसके बाद पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना सोनी को इस बात की जानकारी लगी और वे विवाह समारोह में भी पहुंची। वहां पर उन्होंने कहा कि ऐसा करना किसी भी समाज के अधिकार में नहीं है और वे ऐसे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाएंगी। मामला ये है कि हम गोदी भराने के लिए इनको समाज वाले को ले गए। श्याम सुंदर सोनी अध्यक्ष थे, कमलापत थे उप अध्यक्ष, तो इन्हों को ले गए थे। वो कह रहे थे जिस लड़के की शादी होगी तो लड़के वाले को 1% लगेगा समाज के लिए जी, है ना। हमने कहा आप इधर ना मांगो, आप घर पे कर लेना बैठ के, वहाँ हम दे देंगे आप जी। तो जो घर पे आए हमने इनको 2000 रुपये की कहा कि लो भैया ले लो। इनने ले ले, अगले आदमी ने ये कहा कि आपने कैसे ली, क्या हम भिखारी है कि हमारे दरवाजे आके जाने। उन्होंने 2000 रुपये हमारे दरवाजे फेंक के मारे। तो बाद में बहिष्कार कर दिया, मंडप में जो भी जाएगा उसको हम निकाल देंगे समाज। देखिए मामला तो जो भी हो या इसका पूरी जानकारी तो अभी हमने ली है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहिष्कृत करने का किसी को अधिकार नहीं है। बहिष्कृत करने का इतना बड़ा काम नहीं हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति को आप बहिष्कृत कर दें। उन लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए जो समाज के लोगों को लूट रहे हैं या समाज के लोगों के लोगों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं या लोगों का लड़कियों का रेप कर रहे हैं या जो डकैती डाल रहे हैं। ये साधारण सा व्यक्ति अगर कोई चंदा नहीं देता है तो उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप बहिष्कृत करें समाज से। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और जिनने बहिष्कृत किया है वो क्या इस लायक है, उनने के खुद को डिसाइड किया है वो समाज में रहने लायक है या बहिष्कृत करने लायक है। उनने कितने काम ऐसे किए हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि वो अध्यक्ष के पद के लायक हैं, ये उनने खुद डिसाइड कर लिया क्या, क्या वो न्यायाधीश है? ऐसा मैं मानती हूँ। मैं उसके लिए न्यायालय में केस लड़ूंगी और जिनके खिलाफ इनने ये बहिष्कृत किया है उनको साथ लेके जब तक ये लड़ाई नहीं पूरी होती है तब तक मैं इनके साथ खड़ी रहूंगी। नमस्कार, खबर दिनभर में शाम 6 बजे की खबरों के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव के सनराइज कॉलेज के NSS के छात्रों द्वारा एक 7 दिवसीय कैंप लगाया गया है। इस कैंप का शुभारंभ मंडी अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता द्वारा किया गया। इस कैंप के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्वच्छता अभियान सहित तमाम शासकीय योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा 7 दिनों तक ये छात्र छात्राएं बेहतर काम करके अपने स्वयंसेवक होने का संकेत देंगे। इस मौके पर प्रीतम सिंह यादव, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एलन रावत सहित डायरेक्टर महेंद्र राजपूत और स्टाफ भी मौजूद रहा। ये कार्यक्रम एक जनहित में आयोजित हो रहा है और सनराइज द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ये बहुत सरकार की कह लो सनराइज विद्यालय की कह लो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने बहुत सालों से, मैंने एक बार गरौली में भी इनके उसमें गया था उद्घाटन में, तब से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय परिवार बधाई के पात्र हैं, सभी स्टाफ भी बधाई के पात्र हैं। जो आज राष्ट्रीय NS की तरफ से जो सनराइज महाविद्यालय की तरफ से जो ग्राम तिरनी में
स्वच्छता के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और एक जागृति लाने के लिए ग्रामवासियों के बीच में स्वच्छता के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है सनराज महाविद्यालय की तरफ से, सनराज महाविद्यालय बहुत ही सराहनीय काम कर रहा, बहुत बधाई के पात्र है। अगली खबर भी नौगांव से है। यहाँ पर मनसा देवी मंदिर में श्रीमद भागवत समिति द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन कार्यक्रम में कलेक्टर रमेश भंडारी भी शरीक हुए। समिति द्वारा यहाँ के लहिया पैलेस में 5 साधनहीन गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया, जिसको विवाह के दौरान गृहस्थी का सामान और अन्य वस्तुएं भी प्रदान की गई। इसमें 2 जोड़े नौगांव के, 1 हरपालपुर और 2 जोड़े छतरपुर से शामिल हुए। श्री भागवत समिति द्वारा, मनसा देवी द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है साधनहीन बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। ये विवाह संबंध प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि छतरपुर से जोड़े आए हैं, बरबधु आए हैं, 2 नौगांव से आए हैं, 1 जोड़ा आया हुआ है हरपालपुर से। हमारा ये हम लोगों का समिति का ये आयोजन इसलिए रखा गया है कि जो लड़कियाँ शादी और संबंध के लिए नहीं, जिनके पास साधन है, असहाय है, उनको हम लोगों ने जीवन में बंधन मानने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। नमस्कार, शाम 7 बजे हैं और इस घंटे की खबरों के साथ मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बीती रात करीब 2 बजे ओरछा थाना के अंतर्गत देवपुर के पास कुछ नकाबपोशों ने घात लगाकर 2 ट्रक चालकों पर हमला बोल दिया। इन ट्रक चालकों के साथ न सिर्फ लूट की गई बल्कि इनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई। इनमें ड्राइवर इतने गंभीर हैं कि उन्हें ग्वालियर के लिए रेफर किया गया है। चमड़े को छीलने वाली रापी को बीच सड़क में बालू के सहारे से उल्टा खड़ा किया गया और उसके बाद नकाबपोश घात लगाकर खेतों में और पेड़ों के पीछे छिप गए। जैसे ही यहां से ट्रक गुजरे, ट्रकों के टायरों में रापी लगी और वे पंचर हो गए। इसके बाद इन सभी नकाबपोशों ने ट्रक ड्राइवरों पर हमला बोल दिया। क्लीनर के साथ भी मारपीट की गई और उनके पास से 20,000 रुपए और मोबाइल भी छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए। रात में ही पुलिस बल घटना की सूचना मिलने पर पहुंच गया था। बड़ी घटना थी। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों में सतना से सीमेंट भरकर झांसी के लिए ये लोग निकले थे। दोनों ट्रक देवेंद्र नगर के अरविंद जैन के बताए जा रहे हैं। घायल अभिराज और भाईलाल पाल को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। रात को सतना से सीमेंट के ट्रक हैं ये चले थे और ये धमौरा गांव से निकलने के बाद की बात है। ये इसमें लगभग 1:30 बजे की घटना है। इसमें ट्रक को जो भी शिकायत आई है के सामने का लेफ्ट साइड का टायर जो है वो रापी लगा करके पंचर किया गया और अज्ञात लोगों ने उनके साथ में फिर मारपीट की है और पैसे लूटे हैं और मोबाइल लूटे हैं। इसमें पुलिस थाना ओरछा में मुकदमा कायम कर लिया गया है और आगे कार्रवाई कराई जा रही है। ड्राइवर्स की हालत गंभीर है, उनको ग्वालियर हॉस्पिटल के लिए यहाँ से रवाना भी कर दिया गया है। नमस्कार, हर घंटे की खबरों से रूबरू कराने के लिए हर घंटे खबर दिन भर में आपसे हम करते हैं मुलाकात। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रदेश के डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला छतरपुर के दौरे पर आए हुए थे। दरअसल चुनावों के मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और इसी के मद्देनजर छतरपुर में भी उनका आगमन हुआ। छतरपुर में पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान 2 पीड़ित महिलाओं को पीड़ित प्रतिकर का मुआवजा भी दिया गया जिसमें 1 महिला को 6 लाख रुपए और 1 महिला को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी, एसपी विनीत खन्ना सहित संभाग के एसपी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि रेत में कार्यवाही के जो सबसे ज्यादा मामले आए हुए हैं वो मध्य प्रदेश में दर्ज किए हैं। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने पुलिस का बचाव भी किया और कहा कि रेत में कार्रवाई करने के लिए खनिज विभाग है और पुलिस को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि दोनों चीजों को बैलेंस करने की बात यहां पर की जा रही है। ना तो पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है और उससे बचने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि छतरपुर की पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए सभी से चर्चाएं की जा रही हैं। सीसीटीवी और अन्य चीजों का भौतिक परीक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षित छतरपुर बनाने की कोशिशें जारी हैं।
सागर संभाग की सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक ले रहा हूं। सीमावर्ती इलाके में उत्तर प्रदेश के साथ कैसे समन्वय करके अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाया जा सके, जिस प्रकार से रीवा क्षेत्र में पुनः दस्यु समस्या दिखने लगी है, उत्तर प्रदेश की सीमा से वैसी स्थिति न बने तैयारियां कर ली जाए, रणनीति बना ली जाए, इसके लिए हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। छतरपुर की टूरिस्ट पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जा सके और जो यहां पे हम तकनीकी उन्नयन में CCTV के कई योजनाएँ छतरपुर खजुराहो टीकमगढ़ पन्ना सब जगह ला रहे हैं, उनकी भौतिक प्रगति का हम और उनकी समीक्षा कर सकें, इसके लिए एकत्रित हुए। इस नगर के सभी निवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और यह आश्वासन कि हम लोग हमारी पुलिस हमेशा सुरक्षित छतरपुर बनाने के प्रयास करती है। रात 8 बजे खबर दिनभर में बस इतना ही, अगले घंटे आपसे फिर होगी दिनभर की खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार। तो खबर दिनभर के माध्यम से आज की दिनभर की खबरें हमने प्रेषित की आपके समक्ष। नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।